हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस एंगल ए है जिसने एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री 20 डिग्री एंगल बनाया है। तो ये रहा हमारा वेक्टर ए। कुछ इस तरह, और जिसने कितना एंगल बनाया है यहाँ से यहाँ तक 20 डिग्री। एक दूसरा एंगल है जो वेक्टर बी, जिसने 110 यानी 110 डिग्री बनाया, जो कि होगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि ऊपर ज्यादा है ना, 90 से ऊपर है। तो ये रहा वेक्टर बी, ठीक है। और यहाँ से यानी एक्स एक्सिस के साथ इसने ये कंप्लीट एंगल बनाया है 110 डिग्री, ठीक है। आगे क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर। हमें दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है। सो हमारा ये रहा ए वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड है हमारी 3 मीटर, और ये रहा हमारा वेक्टर बी, जिसकी मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। और हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, दो वेक्टर के बीच में का एंगल, यानी ए और बी, ये दो वेक्टर के बीच में एंगल हमें अभी नहीं पता है, पर एक्स एक्सिस के साथ दोनों ही वेक्टर्स कितने एंगल बना रहे हैं ये हमें पता है। तो ये रहा 20 और ये रहा 110। अगर मैं 110 यानी 110 को माइनस कर दूँ 20 से, ठीक है, 110 माइनस 20, तो मुझे ये एंगल मिलेगा जो कि होगा 90 डिग्री, ठीक है। 110 डिग्री माइनस 20 डिग्री तो आ जाएगा 90 डिग्री, और यही होगा दो वेक्टर के बीच में का एंगल। अब मैं इजीली रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। तो रहेंगे रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा अंडर रूट। अब देखो दोनों एंगल, दोनों वेक्टर के बीच 90 डिग्री है, यानी कॉस 90 होता है 0। तो ये जो पूरी टर्म होगी ये हमारी होगी 0, क्योंकि थीटा कितना है 90 डिग्री, और कॉस 90 होता है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16, ये आ जाएगा अंडर रूट 25, जिसका रिजल्टेंट हो जाएगा 5 मीटर। तो हमारा रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा। कुछ इस तरह आएगा, ठीक है, दोनों के बीच में आएगा, ये रहा हमारा रिजल्ट। अब मुझे इसका एंगल भी फाइंड करना है, इस रिजल्टेंट का, जो कि डायरेक्शन बताएगा एक्स एक्सिस के साथ कितनी है। मुझे ये पता है 20 है, अगर ये फाइंड हो जाए, ठीक है, इसे नाम देता है अल्फा, तो अल्फा प्लस 20 डिग्री मुझे एंगल भी पता चल जाएगा। अब मैं अल्फा कैसे फाइंड करूँ, तो आपने पढ़ा होगा कि टेन अल्फा अगर दो वेक्टर की रिजल्टेंट और एक वेक्टर ए के बीच में एंगल अगर फाइंड करना है, यानी टेन अल्फा फाइंड करना है, तो वो होता है बी साइन थीटा, थीटा यानी दो वेक्टर के बीच में का एंगल, और अल्फा यानी रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में का एंगल। तो हो जाएगा ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा। सो बी की मैग्नीट्यूड है 4 इंटू दो वेक्टर के बीच में एंगल है साइन 90, ए इज 3 प्लस 4 इंटू कॉस 90। तो कॉस 90 होता है 0, साइन 90 होता है 1, तो आ जाएगा 4, 3 प्लस 0
तो यह जाएगा 4/3। यहाँ से हमें टेन अल्फा मिल रहा है 4/3, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा टेन इनवर्स ऑफ 4/3। अब 4/3 कब होता है? जब टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 53 डिग्री, ठीक है ना। हमें ये एंगल्स पता है कि 4/3 जब होता है तब 53 डिग्री एंगल होता है। अब मुझे अल्फा फाइंड हो गया मेरा 53 डिग्री। मुझे कंप्लीट एंगल अगर चाहिए तो ये हो जाएगा 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री, जो कि हो जाएगा 73 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये रहे हमारी मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड जो कि है 5 मीटर, और ये रहा हमारा डायरेक्शन 73 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है।